तो स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। गाइस, जमशेदपुर एफसी ने अभी तक एक भी सिंगल प्लेयर की साइनिंग कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ रीता चिकाबा को रिटेन करने के अलावा। लेकिन भाई क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है हेड कोच के ऊपर। आपको पता ही होगा जमशेदपुर ने वन मोर चांस दिया है खालिद जमील को ऐसे हेड कोच, लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपका क्या मानना है जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन भाई जमशेदपुर एफसी के पास अभी भी गोल्डन चांस है, जैसे कि इवान वुकोमेनोविक एंड भाई स्टेक ओवर टेस, दोनों में से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो, दोनों बेहतरीन हेड कोच की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भाई जमशेदपुर एफसी का मैनेजमेंट सोया हुआ है, उनको ये नहीं पता है कि कंपटीशन कितना टाइट होता जा रहा है। यहाँ पर आई लीग से प्रमोट होकर टीम आईएसएल में आ रही है, और आपको पता ही होगा अगले सीजन से यहाँ पर जो भी टीम लास्ट में आएगी उसको धक्का देकर आई लीग में फेंक दिया जाएगा, चाहे वो मोहन बगान हो या केरला ब्लास्टर। लेकिन ये चीज अभी भी जमशेदपुर एफसी के दिमाग में नहीं है कि भाई हमको खालिद जमील को हटाकर एक बेहतरीन हेड कोच को लाना चाहिए। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ खालिद जमील को हटा दो, लेकिन भाई अभी तक आप सोच कर देखो, खालिद जमील ने भाई एक भी प्लेयर की साइनिंग कंप्लीट नहीं की है, ना ही र्यूमर निकल के आया है, ना ही किसी प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, और ना ही भाई किसी साइनिंग इंडियन प्लेयर या फिर फॉरेन प्लेयर की साइनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। सो गाइस मेरा कहना यही है, बस आप सब सोच के देखो कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है। भाई मुकुल चौधरी, चाणक्य भाई, ये सब क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, जमशेदपुर क्या कर रही है यहाँ पर। आपका क्या कहना जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस इतना ही है बस वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जम के खेलो जमशेदपुर।